अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन मलिक है। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ और रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट्स, जिसमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, प्रोसीजर फॉर अप्लाई, प्रिपरेशन फॉर टेस्ट इंटरव्यू के बारे में बताया था। आज की हमारी वीडियो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के लाइसेंस की ड्यूरेशन और कैंसलेशन के बारे में है। इनकम टैक्स रूल्स 2001 रूल नंबर 88 के मुताबिक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन होने के बाद ड्यूरेशन कितनी होती है। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की मुद्दत तब तक रहती है जब तक लाइसेंस होल्डर खुद लाइसेंस ख़त्म ना करवाए या वो वफात ना पा जाए या किसी को चीफ कमिश्नर आरटीओ की जानिब से मंसूख ना किया जाए। इसके अलावा रूल 89 में बताया गया है कि अगर कोई भी लाइसेंस होल्डर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करे, यानी इनकम टैक्स के कवानीन की पाबंदी नहीं करता या जानबूझकर किसी को प्रोफेशन का फ़ायदा उठाते हुए नुकसान पहुंचाता है, तो इसको चीफ कमिश्नर आरटीओ की जानिब से मंसूख किया जा सकता है। इस सिलसिले में शिकायत करनिंदे को बाकायदा दरख्वास्त देकर अपना केस साबित करना होता है। दरख्वास्त आने के बाद 21 दिन के अंदर कोई भी तारीख दी जाती है, मुतलका आफिसर 7 रोज़ के अंदर इसकी बाबत तारीख का नोटिस जारी करता है, जिसमें दरख्वास्त गुजार भी मौक़िफ़ देता है और जिस पर कोई इल्ज़ाम है वो भी अपना मौक़िफ़ देता है। दोनों पार्टीज़ की एविडेंस लेने के बाद फैसला होता है और इस फैसले के ख़िलाफ़ FBR में अपील की जाती है। इस अपील को FBR 60 रोज़ के अंदर डिसाइड करने का पाबंद होता है। तो ये वो वजूहात थी जिनसे किसी भी लाइसेंस होल्डर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की मुद्दत रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो सकती है या लाइसेंस मंसूख किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें। आपका वीडियोज़ देखने का शुक्रिया।